और दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडिया स्टडी अकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जेएनटी पेनएसटी की 2019 की परीक्षा में पूछे गए फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे और यह हमारा फिजिक्स का पार्ट 3 है। इससे पहले दो पार्ट हम बना चुके। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी छात्र एम पी पी ए टी पी वी एफ टी डी एच ई टी ठीक है डी ए एच ई टी और जे एन टी पी एन एस टी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों 2020 के लिए हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है और अभी हम पुराने क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा जे एन टी पी एन एस टी का फिजिक्स का पार्ट 3 चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आशा करूंगा दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जल्दी से जल्द और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 600 जूल की गतिज ऊर्जा से क्षितिज के समानांतर दिशा में गतिमान वस्तु पी से क्यू चलने पर 100 न्यूटन के निरंतर विरोधी बल का अनुभव करती है। क्यू पर वस्तु की ऊर्जा है। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा P, दूसरा पॉइंट है हमारे यहाँ पर Q, ये डिस्टेंस है टोटल इन दोनों पॉइंट के बीच की 3 मीटर। आप इस पॉइंट P से जा रहे हैं इस पॉइंट Q पर, तो जो विरोधी बल लग रहा है वह लग रहा है 100 न्यूटन, ठीक है, विरोधी बल उल्टा लगेगा, अपोजिट फोर्स। आप ऐसे जा रहे हैं तो ये अपोजिट फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। तो पूछा गया है कि इस पॉइंट Q पर एनर्जी क्या होगी, ऊर्जा क्या होगी, EQ आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं जब हमें फोर्स दिया हो और डिस्टेंस दी हो तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है एनर्जी। तो पॉइंट Q पर एनर्जी हो जाएगी EQ बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स है 100 न्यूटन और डिस्टेंस है 3 मीटर। 100 और इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 न्यूटन मीटर। फोर्स आपका न्यूटन में, डिस्टेंस मीटर में, तो न्यूटन मीटर। और हम जानते हैं दोस्तों न्यूटन मीटर होता है जूल और ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, जूल। तो ये आ गया दोस्तों हमारा 300 जूल, ठीक है, कितना आ गया 300 जूल। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों हालांकि यहाँ पर इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको थ्योरी क्वेश्चन बताने वाला हूँ क्योंकि अभी हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन के उसको शुरू नहीं किया है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हम अलग से वीडियो बनाते हैं। फिर भी दोस्तों यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल देख लिया है, इसके अलावा मैं दोस्तों अन्य न्यूमेरिकल को स्किप करूँगा, ठीक है, जो थोड़ा सा सिंपल रहेंगे उनको हम देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये सिंपल है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के त्वरण जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह दोस्तों, यह हमारी पृथ्वी की सतह है, ठीक है, इस सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण कितना है, गुरुत्व के कारण त्वरण जी है, ठीक है, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी की आधी त्रिज्या और आधे द्रव्यमान वाले ग्रह, ये है हमारी अर्थ, ये क्या है हमारी अर्थ है, जहाँ पर ग्रेविटी कितनी है, जी है, सॉरी एक्सीलरेशन कितना है, जी है। एक अन्य ग्रह है, एक अन्य क्या है, ग्रह है, ठीक है, इस ग्रह पर, इस ग्रह की जो त्रिज्या है वह कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या से आधी है। अगर पृथ्वी की त्रिज्या आर है तो इसकी त्रिज्या कितनी है, आर बाय टू, इस ग्रह की त्रिज्या है आर बाय टू, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ते हैं, पृथ्वी की आधी त्रिज्या और आधे द्रव्यमान वाले ग्रह की सतह पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में गुरुत्व के कारण त्वरण का परिणाम होगा। दोस्तों यह थी हमारी पृथ्वी और यह है दूसरा ग्रह, ये हमारी अर्थ है और ये दूसरा ग्रह है, ठीक है, यह एक अन्य ग्रह है। पृथ्वी की त्रिज्या आर है, मास एम है, इस ग्रह की त्रिज्या आर बाय टू है और मास कितना है, एम बाय टू। अगर पृथ्वी पर गुरुत्व के कारण त्वरण जी है तो इस ग्रह पर गुरुत्व के कारण त्वरण कितना होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों 2g, डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, 2g, दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न है। पेंडुलम की लंबाई और आवर्तकाल के मापन में त्रुटियां का प्रतिशत क्रमशः 1% और 2% है, फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मापन में अधिकतम त्रुटि होगी।
दोस्तों लंबाई, लंबाई के मापन में 1% की त्रुटि हो रही, ठीक है, और आवर्तकाल के मापन में 2% की त्रुटि हो रही। आपसे पूछा गया है कि एक्सीलरेशन के मापन में कितने परसेंट की त्रुटि हो सकती है, तो दोस्तों ये त्रुटि हो जाएगी दोस्तों लगभग ये 5%, ठीक है, 5% की त्रुटि होगी। तो दोस्तों इन न्यूमेरिकल प्रश्न का जो सॉल्यूशन है दोस्तों वह मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जो न्यूमेरिकल वाले हमारे पार्ट रहेंगे, और पूरा फॉर्मूला और सब कुछ मैं आपको उन वीडियोज में बताऊंगा। अभी आप आंसर देखिएगा 5%, ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। समान रेटेड वोल्टेज वाले 60 वाट और 40 वाट के बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात क्रमशः है, दोस्तों कितना हो जाएगा, 40/60, 2/3, तो 2:3, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं जैसे कि बोल रहा हूँ कि जो हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट रहेगा उसमें मैं पूरे फॉर्मूले बताऊंगा, तो अभी सिर्फ आप आंसर देखिएगा, सॉल्यूशन मत देखिएगा, ठीक है, जो मैं एकदम ट्रिक से निकाल रहा हूँ दोस्तों शॉर्टकट में वो मत देखिएगा, मैं तो पूरे फॉर्मूले आपको बताऊंगा कैसे आंसर आता है, अभी सिर्फ आप आंसर देखिएगा। अगला प्रश्न है, न्यूमेरिकल प्रश्न है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो एसआई प्रणाली में इसका मान कितना होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि एसआई यूनिट में हम जो भी यूनिट निकालते हैं उनमें फंडामेंटल जो यूनिट होती है हमारी, जैसे मास के लिए हम केजी का यूज़ करते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं, टाइम के लिए हम सेकेंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट हमें जो मास वाली यूनिट दी है वह ग्राम में दी है और डिस्टेंस वाली सेंटीमीटर में, तो मास वाली यूनिट को हमें किलोग्राम में करना पड़ेगा और सेंटीमीटर वाली को हमें मीटर में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब में हमें इसे कन्वर्ट करना है। जब आप इसे केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो यह एक की जगह कुछ और हो जाएगा, और क्या होगा यह हम देखते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ठीक है, 1 केजी इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम। तो दोस्तों 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम बराबर हो जाएगा, ये जो 1000 है यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1000 केजी, ठीक है, और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10^3, ठीक है, तो 1/10^3, और इस 1/10^3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10^3 नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये ऋण में हो जाएगा, 10^-3 केजी, तो 1 ग्राम बराबर हो गया कितना, 10^-3 केजी। तो 1 ग्राम का मान तो हमने निकाल लिया है 10^-3 केजी, ठीक है। अब हम निकालते हैं सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों हम जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा, इस 100 को हम लिख सकते हैं 10^2, ठीक है, इस 100 को क्या लिख सकते हैं, 10^2। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, 1 मीटर क्यूब, घात 3 लगा दी, तो यहाँ पर भी घात 3 लग जाएगी और इस सेंटीमीटर क्यूब में भी घात 3 लग जाएगी, 10^2 है और ये 10^3 है, सॉरी ये 10^2 है और ब्रैकेट के बाहर घात 3 है, तो हो जाएगा घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब बराबर आ गया 10^6 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालना है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो 10^6 को यहाँ नीचे ले आओ तो हो जाएगा 1/6, ठीक है, 1/10^6 मीटर क्यूब, और जब ये ऊपर जाएगा 10^6 ये माइनस में हो जाएगा, 10^-6 मीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आ गया 10^-6 मीटर क्यूब। अब ये जो वैल्यू आई है दोस्तों इनको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हम पुट करेंगे, 1 ग्राम बराबर कितना आया था दोस्तों, 10^3, 10^-3 किलोग्राम, और
एक सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना आया था, 10^-6 मीटर क्यूब। तो दोस्तों ऊपर है 10^-3, नीचे 10^-6, ऊपर घात 3 है, नीचे घात 6 है, तो ये कैंसिल होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जब एक कैंसिल होगा तो नीचे हमें क्या मिलेगा, 10^-3, कितना मिलेगा, 10^-3। 10^-6 को हम लिख सकते हैं 10^-3 गुणे 10^-3, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10^-3 गुणे 10^-3। नीचे 10 कितनी बार है, 6 बार है, ऊपर 3 बार है, तो ऊपर की 3 और नीचे की 3 जब कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे कितनी बार बचेगा, नीचे 6 बार था तो 3 तो कैंसिल हो गए, तो 3 बार बस बचा, तो नीचे बता 10^-3, और ये ऋण 3 नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10^3। तो 10^3 हमारा आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा 10^3 kg/m³। दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैं इनके लिए अलग से वीडियो ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो देखेंगे। अब आ गया है दोस्तों थ्योरी क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक्सरे की भेदक या तीक्ष्ण शक्ति इसके खालिस्तान की वृद्धि के साथ बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य, तीव्रता, आवृत्ति, वेग। प्रश्न का सही उत्तर होगा आवृत्ति, इंटेंसिटी के साथ बढ़ती है, ठीक है। एक्सरे की भेदक या तीक्ष्ण शक्ति इसकी तीव्रता की वृद्धि के साथ बढ़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों न्यूमेरिकल प्रश्न है, मैं इसको स्किप करूंगा, काफी टाइम लग जाता है। अभी हम सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन देखेंगे। एक चुंबकीय क्षेत्र एक खालिस्तान के साथ परस्पर प्रभावित नहीं होता, इंटरैक्ट नहीं होता। गतिशील विद्युत आवेश, गतिशील स्थायी चुंबक, स्थिर विद्युत आवेश, स्थिर स्थायी चुंबक। प्रश्न का सही उत्तर होगा स्थिर विद्युत आवेश, स्थिर विद्युत आवेश। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पानी का उपयोग शीतलक के रूप में उसके खालिस्तान के कारण किया जाता है, पानी का उपयोग कूलेंट के रूप में उसके खालिस्तान के कारण किया जाता है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा, निम्न विशिष्ट ऊष्मा, कम घनत्व, आसान उपलब्धता। प्रश्न का सही आंसर होगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा, हाई स्पेसिफिक हीट। पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसको भी मैं स्किप करूंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। जब एक द्रव्यमान के निकाय पर 1 न्यूटन का बल कार्य करता है तो निकाय को प्राप्त होने वाला त्वरण है, आंसर हो जाएगा दोस्तों 1000 m/s². दोस्तों त्वरण की यूनिट हम जानते हैं क्या होती है, m/s² होती है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है और फोर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, द्रव्यमान और फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, kg/m²। दोस्तों ये जो फोर्स की यूनिट है, ये न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है kg/m²। अगर हम इसमें जो 1 न्यूटन होता है दोस्तों, कितना, kg/m², अगर हम इसमें केजी का भाग कर दें, केजी का भाग कर दें तो केजी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा m/s², मतलब हमारा त्वरण बचेगा। अब हमें दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, जब 1 ग्राम द्रव्यमान के निकाय पर 1 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो दोस्तों यहाँ पर तो केजी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केजी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो मास हमें दिया है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, भाई हमें किस में दिया है, ग्राम में दिया है, इसको जब हम किलोग्राम में बदलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें किलो करना है तो ऊपर भी हमें किलो करना पड़ेगा, और हम जानते हैं 1 किलो बराबर होता है, 1 किलो बराबर होता है 1000, ठीक है। किलो का मतलब क्या, 1000 मेगा, जैसे किलो का मतलब 10^3, उसी प्रकार मेगा की पावर 10^6, ठीक है। तो के मतलब हमारा सिंपली 1000, ठीक है। अब ये ग्राम राम सबको भूल जाओ, तो यहाँ हमने के लिख दिया तो ये हो गया केजी, ऊपर के लिख दिया तो ऊपर का के ही रहने दो, ठीक है। ऊपर वाले के का मतलब 1000, ठीक है।
अब एक केजी से केजी कैंसिल, तो यहाँ पर बचा सिर्फ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नीचे हमें सिर्फ मास किस में दिया है, ग्राम में दिया है, तो हमने नीचे ग्राम लिख दिया। अब यहाँ पर हमें करना है किलोग्राम, तो हमने यहाँ के लिख दिया, तो ये हो गया किलोग्राम। ठीक है, तो ऊपर भी किलो करना पड़ेगा, और किलो मतलब 1,000, तो ऊपर मतलब 1,000 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे केजी, केजी से केजी कैंसिल, ये बचा 1,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं इनको स्किप करूंगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, डेरिवेशन टाइप का। एक तार को एक सिरे पर स्थिर किया गया है और दूसरे सिरे पर बल एफ लगाया गया है, जिससे आई विस्तार उत्पन्न हुआ है। समान पदार्थ की लंबाई 2L और त्रिज्या 2R वाले एक अन्य तार में 2F बल द्वारा उत्पन्न विस्तार होगा। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं, दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा L। ठीक है, डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में स्किप करता हूँ। इस पेपर में दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी ज्यादा है, थ्योरी क्वेश्चन काफी कम दिख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है? कंक्रीट, एल्यूमिनियम, तांबा, इस्पात। सबसे अधिक किस पदार्थ की प्रत्यास्थता होती है? हाईएस्ट इलास्टिसिटी, हाईएस्ट इलास्टिसिटी किस सब्सटेंस की होगी इनमें से? तो आंसर होगा स्टील की। इलास्टिसिटी मतलब खींच रहे हम उसको, तो स्टील की। ठीक है, और ब्रेक ना हो तो स्टील। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, आयाम ए के सरल आवर्त गति को खींचने वाले एक कण की गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा समान होगी जब विस्थापन होगा। तो प्रश्न का आंसर होगा A/√2, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, इस पेपर में काफी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। 3 mm त्रिज्या वाला एक तांबा सीधा ठोस धात्विक तार अपने वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट पर समान रूप से वितरित धारा का वहन करता है। यदि यदि सतह पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण B है, तो इसकी अक्ष से 1.5 mm की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण होगा। आंसर होगा दोस्तों B/2, दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BE है और इसका अपलावन कोण या नति कोण, एंगल ऑफ डिप, ये है फाई, ठीक है, या थीटा बोल सकते हैं। चुंबकीय मध्यान यानी चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित L लंबाई वाला क्षैतिज रूप से एक संवाहक वेग भी के साथ पूर्व की ओर बढ़ता है। चालक में प्रेरित EMF है, तो EMF से संबंधित है क्वेश्चन है दोस्तों, इसका हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा BE/V sin थीटा, BE/V sin थीटा। तो दोस्तों इन सब को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और जब हम इनको बोर्ड में समझेंगे सही तरीके से, तभी आपको समझ में आएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दर्पण से 28 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। यह हमारा दर्पण हो गया, इससे 28 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक वस्तु ये रख ली। यदि दर्पण से 28 सेंटीमीटर पर एक वास्तविक छवि निर्मित होती है, तो दर्पण की फोकल लंबाई का परिमाण है, आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चौथा ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक आइडिया लग रहा है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक NPN ट्रांजिस्टर प्रवर्धक एम्पलीफायर में संग्राही धारा 9 mA है। यदि एमिटर से 90% इलेक्ट्रॉन संग्राही तक पहुंचते हैं, तो अल्फा और बीटा का मान क्या है? दोस्तों इसका आंसर होगा अल्फा बराबर 0.9 और बीटा बराबर 9.0। ठीक है, अल्फा बराबर कितना है? 0.9 और बीटा बराबर 9.0, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक विभवांतर भी एक संवाहक से गुजारा जाता है। ठीक है, कंडक्टर से गुजारा जाता है।
नियत तापमान टी पर संवाहक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग इसके अनुपातिक होगा। तो आंसर होगा बी के अनुपातिक होगा, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। 20 ओम प्रतिरोध वाले एक गैल्वेनोमीटर को 1 एम्पियर की रेंज वाले एमीटर में रूपांतरित करना है। यदि 1 एमए की धारा पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण पैदा करती है तो उद्देश्य के लिए आवश्यक शंट है। तो शंट एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है दोस्तों, इसलिए इसकी यूनिट हमेशा ओम में रहती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। 0.02 ओम दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। दोस्तों इस पेपर में तो फिजिक्स से काफी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, थ्योरी क्वेश्चन हमने दो तीन ही देखे हैं। एक खगोलीय दूरबीन की अभिदृश्य फोकल लंबाई 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर है, और व्यास 10 सेंटीमीटर है। इसकी नेत्रिका की फोकल लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 4 सेंटीमीटर। यदि दूरबीन सामान्य समायोजन में है तो इसका कोणीय आवर्धन है। आंसर होगा 20। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा काफी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे, और जो कि काफी अच्छे स्टैंडर्ड के थे, ठीक है, ना तो इजी थे और ना ही ज्यादा टफ। दोस्तों एक 12th के हिसाब से कहा जाए तो स्टैंडर्ड काफी अच्छा था, और क्वेश्चन इजी तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, टफ ही थे। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम न्यूमेरिकल वाला जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें अच्छे से करेंगे सॉल्व। तो उस पार्ट को देखने के लिए और हमारे और आने वाले पार्ट को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। थैंक यू दोस्तों।